खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में। मैं आपके साथ साक्षी सिंह। वैष्णो देवी कटरा के लिए चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का गुरुवार यानी कि आज शुभारंभ हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। अमित शाह रेल मंत्री पीयूष गोयल और कई मंत्रियों के साथ वंदे भारत एक्सप्रेस पर मौजूद थे। हालांकि वंदे भारत एक्सप्रेस की रेगुलर सेवा 5 अक्टूबर से शुरू होगी। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि रेल मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में काम कर रहे पूरे रेल विभाग के सभी लोगों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने जम्मू कश्मीर को आज नवरात्रि के शुभ अवसर पर एक बहुत बड़ा तोहफा देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि 2014 में जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तब से सभी यात्रा स्थानों तक सभी यात्री सुगमता और सरलता से पहुँच सके, इसके लिए सरकार ने बहुत से कदम उठाए हैं। अमित शाह ने कहा कि आज हाई स्पीड वंदे भारत रेलगाड़ी माता वैष्णो देवी के दरबार में जाएगी। इससे एक नई शुरुआत वैष्णो देवी आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए होने जा रही है। 17 फरवरी को वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से वाराणसी के लिए शुरू की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने रेल विभाग के सामने कल्पना रखी कि धीरे धीरे हाई स्पीड ट्रेन का भारत में एक जाल बिछाया जाए। वंदे भारत एक्सप्रेस 8 घंटे में माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं को दिल्ली से कटरा लेकर पहुँच जाएगी। दूसरी ट्रेनों में नई दिल्ली से कटरा तक का सफर 12 घंटे में तय किया जाता है। वंदे भारत ट्रेन में दिल्ली से कटरा के लिए चेयर कार क्लास में 1630 रुपए जबकि एग्जीक्यूटिव चेयर कार में 3015 रुपए होगा। श्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में काम कर रहे हैं पूरे रेल विभाग के सभी लोगों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने जम्मू कश्मीर को आज नवरात्रि के शुभ अवसर पर एक बहुत बड़ा तोहफा देने का काम किया है। 2014 से जब से नरेंद्र भाई की सरकार बनी, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, सभी यात्रा स्थानों को देश के नागरिक सरलता के साथ, सुगमता के साथ वहां तक पहुंच सके, वहां की यात्रा उनकी सुगम और सुरक्षित हो, इसके लिए ढेर सारे कदम उठाए और आज ये हाई स्पीड रेल वंदे भारत रेलगाड़ी माता वैष्णो देवी के दरबार में जाएगी। इससे एक नई शुरुआत वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों की सुविधा की होने जा रही है। 17 फरवरी को वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से वाराणसी शुरू हुई और प्रधानमंत्री जी ने कल्पना रखी रेल विभाग के सामने कि धीरे धीरे हाई स्पीड रेलवे का पूरा जाला बिछाया जाए और देश भर के रेल यात्रियों को एक सुरक्षित, बहुत अपने समय तक पहुंचाने के लिए स्पीड, स्केल और सर्विस, ये तीनों का ध्यान रखते हुए एक सुविधापूर्ण रेलवे बनाने का जो लक्ष्य दिया, मुझे आज आनंद है कि पीयूष भाई के नेतृत्व में रेल विभाग इसको आगे बढ़ाने के लिए द्रुत गति से काम कर रहा है और आज एक नई कड़ी को वहां जोड़ने का काम किया है। वैसे आपको बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस की रेगुलर सेवा 5 अक्टूबर से शुरू होगी। वंदे भारत एक्सप्रेस सुबह 9:50 पर अंबाला लुधियाना से होते हुए शाम 5:50 पर कटरा पहुंचेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस कटरा से दोपहर 3 बजे रवाना होगी और देर रात 11 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। इस ट्रेन में 16 डिब्बे हैं जिसमें 14 चेयर कार और 2 एग्जीक्यूटिव क्लास हैं। हर चेयर कार कोच में 78 कुर्सियां हैं और इस ट्रेन में 1100 यात्री सवार हो सकते हैं। वंदे भारत ट्रेन में दिल्ली से कटरा के लिए चेयर कार क्लास में 1630 रुपए जबकि एग्जीक्यूटिव चेयर कार में 3015 रुपए होगा। वंदे भारत के लिए बुकिंग पिछले महीने ही शुरू कर दी गई थी और ट्रेन की व्यावसायिक सेवा 5 अक्टूबर से शुरू कर दी जाएगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।